Hello and welcome back to another digital lecture in subject biology in the last previous video we have understood fertilization event now today we are going to study about post fertilization event and some other topics now i will go last event in sexual reproduction post fertilization event after fertilization following changes take place in the flower first as double fertilization is completed the flower begin to lose its shine and shade their sepal petals stamen and style second the zygote develops to produce embryo third the outer integument of ovule forms testa and inner is converted into tegmen of seed Fourth ovule is converted into seed, and last fifth formation of fruit from ovary. So, all these changes happen in different waves. So, first endosperm formation, second embryo formation, third seed formation, and last fourth fruit formation. इन दिस वी विल बी द फर्स्ट टू रीड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से होता है पर हम इस बात को यहाँ समझें कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी सो वेयर विल सी गेट दिस न्यूट्रिशन इट विल बी प्रोवाइड विथ एंडोस्पर्म सो फर्स्ट द एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus formed as a result of triple fusion form endosperm it provide nutrition to the developing embryo as seen in diagram a then further it triploid endosperm nucleus divide by repeated mitotic free nuclear divisions without the wall formation इस कंडीशन में न्यूसेलस डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर एंडोस्पर्म में माइट्रोटिक डिवीजन होता है जनरली माइट्रोटिक डिवीजन में पहले सेकेंड डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस। बट हियर ओनली केरियोकाइनेसिस अकर और इसमें बॉल प्रेजेंट नहीं होती है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी फ्री न्यूक्लियाई दिस स्टेज इज कॉल्ड सिनोसाइट जो मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है इट टेक प्लेस इन लिक्विड फॉर्म जब कभी हम कोकोनट या नारियल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर का कोकोनट वॉटर ही मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है सो द डेवलप एंडोस्पर्म डेवलप्स वेन ए लोट ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड फिर धीरे धीरे सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनने लगती है तब यह सॉलिड फॉर्म में आ जाता है इसे ही हम नारियल की या खोपरे के रूप में खाते हैं फर्दर न्यूक्लियाई रिमेन इन लार्ज वेक्यूल अपीयर इन द एम्ब्रियोसेक और फिर कुछ समय बाद एम्ब्रियोसेक के सेंट्रल पार्ट में एक लार्ज वेक्यूल बनने लगता है और सभी बचे हुए न्यूक्लियाई पेरीफेरल रीजन में अरेंज हो जाते हैं सो so, Now, gygote will develop further by taking nutrition from endosperm. Now, next is embryo formation. Development of embryo is called embryogenesis. So before embryo development, zygote undergoes a resting period within is shorter through the sheet differ. Greatly the early stages of embryo development are similar in both monocot and dicot. During development first of all zygote enlarges in size secretes its own cellulose cell wall and divides by a transverse division and resulting in the formation of two unequal cells. एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले जाइगोड जो कि टू एन है वो ट्रांसफर्स सेक्शन में डिवीजन करता है और टू अनइक्वल सेल में डिवाइड हो जाता है द लोअर लार्जर सेल इज कॉल्ड बेसल सेल एंड अपर स्मॉलर सेल सिचुएटेड माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड टर्मिनल सेल और एपिकल सेल फर्दर द बेसल सेल डिवाइड सेवरल टाइम बाय ट्रांसवर्स डिविजन टू गिव राइस सिक्स टू टेन सेल्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सस्पेंसर फिर बेसल सेल डिविजन करके एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इसे ही हम सस्पेंसर कहते हैं जैसा कि डायग्राम में दिख रहा हैल हाउ डिवाइड एंड फॉर्म्स फोर सेल्ड स्टेज एंड ईच सेल डिवाइड्स बाय ए ट्रांसवर्स वॉल गिविंग राइस टू द ऑक्टेंट स्टेज फिर टर्मिनल सेल में भी माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे राउंड स्ट्रक्चर बनेगा इसे ही हम अनडेवलप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं और इस अनडे डेवलप एम्ब्रियो से ही में फिर से डिविजन होगा और यह हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर द अपर द अपर फोर सेल्स डेवलप्स इंटू प्लूम्यूल प्यूम्यूल हमेशा एंटीपोडल की साइड होगा एंड कॉटीलिडंस वाइल द लोअर फोर सेल्स डेवलप्स इंटू रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल एंड लास्ट प्यूम्यूल से शूट सिस्टम एंड रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा सो हियर यहा आप अगर डायग्राम में देख रहे हैं तो हमने एक कम्प्लीट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सो हियर आवर कम्प्लीट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आई होप यू हैव अंडरस्टेंड दिस टॉपिक नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस टॉपिक चैप्टर सीड फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन दूल is transformed into seed so a seed may be said to be a fertilized and mature ovule developing in the ovary of flower the zygote develops into an embryo and the triploid endosperm nucleus gives rise to endosperm and synergid and antipodal cell generally disappear और न्यूसेलस का यूज एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कर लिया जाता है बट इन समीट लाइक केस्टर फोरोक्लोक क्लॉक एक्सेट्रा न्यूसेल्स रिमेन्स आउटसाइड द एंडोस्पर्म इन द फॉर्म ऑफ ए थी लेयर इस कॉल्ड पेरिस्पर्म। और यदि सीड में न्यूसेलस का यूज कंप्लीट नहीं होता है और कुछ न्यूसेलस बच जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम पेरिस्पर्म कहते हैं So, we have divided the seed into two parts on the basis of endosperm. First is non endospermic seed. Endosperm is absent in it. Endosperm is also used in many seeds. In this seed, the food is stored in cotyledons. So, the endosperm is absent on maturity. This seed Seed are called non-albuminous or non-endospermic seed. For example, gram, pea, beans, etc. Second type is endospermic seed. In some seed, endospermic remain present. These seeds, the food is stored in endosperm instead of cotyledons these seeds are called endospermic or albuminous seed for example papaya kester, tamarind etc both the integument of ovule dry up and form seed coat out integument is testa and inner integument is called tegmen so the simple soluble food matter of the ovule are

इन एक्टिविटी कॉल डॉर्मेंसी अतः सीट के मेच्योर होने के बाद वो जर्मिनेट होने से पहले स्टेज को ही हम डॉर्मेंसी स्टेज कहेंगे हमारे घरों में जो फूड शीट प्रेजेंट होते हैं वो इसी स्टेज में होते हैं ऑल्सो नॉन देट द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सीट ऑफ प्लांट किंगडम आर फाउंड इन आर्किड्स एंड लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट सीट आर of double coconut. now on the basis of number of cotyledons, the seeds are of two types. first is monocotyledon seeds. it has only one cotyledon called scutellum. for example, like wheat, barley, maize, etc. second is dicotyledon seed it has two cotyledons. for example, pea, gram, mustard, etc. now we understand the summary of changes occurring the formation of seed from an ovule are as follows. ovary and fruit. first, ovary wall changes to pericarp. ovule change into seed. integument, seed coat outer integument, testa, inner integument, tegmen, nucellus, used up. If remains, it is called perisperm. Embryosac, in embryosac, synergite and antipodal is degenerate. Egg cell changes to main part embryo and large secondary nucleus changes to endosperm parts.

इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट फॉर एग्जाम्पल मैंगो बट वेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी एलोंग विधअर ऑफ द फ्लावर एक्सेट्रा इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट फॉर एग्जाम्पल एप्पल जेक फ्रूट मलबेरी यहां अगर हम एप्पल के फॉर्मेशन को देखें तो एप्पल में ओवरी का आ, को डेवलप फॉर्म में करने का रोल प्ले तो होता ही है साथ में इसमें भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस प्रोसेस ओवरी स्टार्ट टू इन लार्ज इन साइज एट द सेम टाइम ए काइंड ऑफ कॉपियस पेरिन डेवलप्स डेवलप विद इन द ओवरी विच गेट चेंज्ड विथ शुगर वेजिटेबल एसिड एक्सेट्रा वॉल बिकेम फ्लैशी एंड स्टोर a large amount of food materials and is now called a pericarp. apart from this there are some special modes of reproduction in flowering plants are as follows vegetative and sexual reproduction are the common method of reproduction in flowering plants but under certain condition reproduction also occurs without the process of fertilization so first is apomixis apo means without and mixis means mixing now definition apomixis is the substitution of sexual reproduction by asexual processes which does not involve any gametic fusion normally diploid embryo may formed as a रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लेकिन कभी कभी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट विकलर नेम्ड इज द प्रोसेस एज एपोमिक्सिस नाउ इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इज प्योर homozygous type of plant can be obtained by this method. Second, the genotype can be rapidly increased without any alteration by apomixis. Now second mode is polyembryony. Polyembryony was first reported by Anthony von Leuwenhock in the seed of orange. so but in some plants the presence of two or more than two embryos in one seed is also observed therefore the presence of more than one embryo is the seed is called polyembryony अतः अनेक प्लांट्स में एक से अधिक एम्ब्रियोज बनते हैं लेकिन मेच्योर सीड में केवल एक ही एम्ब्रियो होता है एंड रिमेनिंग एम्ब्रियो डिजनरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट सो नॉर्मली ओनली वन एम्ब्रियो इज फाउंड इन वन सीट नाउ नेक्स्ट मोड इज पार्थेनोजेनेसिस नॉर्मली एन एक डेवलपमेंट इन टू An embryo after fertilization, but sometime somehow fertilization fails to occur, and the unfertilized egg develops into an embryo. So the process of development of embryo from unfertilized egg is called parthenogenesis. For example, honeybees. And last mode is parthenocarpy. फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इवन विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस आर एंड कॉल्ड पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स में जनरली विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन होता है उसे ही हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ सेवरल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस फ्रूट्स लाइक बनाना ग्रेप्स ऑरेंज पाइनएप्पल आर सीडलेस फ्रूट क्योंकि सीडलेस फ्रूट फ्रूट्स की जो वेराइटी होती है वो ज़्यादा टेस्टफुल, टेस्टी होती है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है बिकॉज द इटेबल पार्ट लाइक पल्प ऑफ दिस फ्रूट इज ऑप्टेंड इज लार्ज क्वान्टिटी Uh, and uh, fruits in greenhouses use because natural pollinators are not available in greenhouse so uh, formation of this process parthenocarpy so our chapter completes here along with this video if you do not understand any of this topic in this तो उस टॉपिक का वीडियो आप फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ओके थैंक यू स्टूडेंट्स